हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, आज मैं ये इंटरनल सर्किट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूंगा कि इंटरनल सर्किट एलडीओ का कैसे काम करता है। तो एलडीओ का इंटरनल सर्किट जो होता है वो दो टाइप के मॉसफेट से मिलकर बनता है। एक तो पी मॉस, एक होता है एन मॉस। और पी मॉस एनहेंसमेंट मॉसफेट दोनों में यूज होते हैं। तो पी मॉस का जो एलडीओ होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होता है। तो वो क्यों कम होता है, इसका थोड़ा सा आज हम सीखेंगे। तो एज द डेफिनेशन, पी मॉस एलडीओ इंटरनल सर्किट, ये पी मॉस इंटरनल सर्किट है एलडीओ का। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द डिजायर आउटपुट वोल्टेज, द फीडबैक लूप कंट्रोल्स द ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस और आरडीएस। ड्रेन टू सोर्स जो रेजिस्टेंस है, या उसको आरडीएस बोलते हैं। एज वी इन अप्रोच वी आउट, यानी कि जब वी इन जो इसके बराबर हो जाती है वी आउट के, तो द एरर एम्पलीफायर विल ड्राइव द गेट टू सोर्स वोल्टेज और वीजीएस। जो ये एरर एम्पलीफायर है जो इसके गेट को ड्राइव करेगा, इसकी गेट वोल्टेज यहाँ पर चेंज होगी। और मोर नेगेटिव इन ऑर्डर टू लोअर आरडीएस, ये मोर नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, मतलब मोर नेगेटिव की साइड जाएगा, मोर नेगेटिव होगा। ये जो है वो लीनियर कंडीशन में वर्क करता है, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो लीनियर, इसकी कुछ रेंज होती है, जैसे कि ग्राउंड से लेके मिनिमम ग्राउंड होती है इसकी आउटपुट, और मैक्सिमम आपकी 1, 2, 3 वोल्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये लीनियर कंडीशन में वर्क करता है। मोस्टली ग्राउंड ही होती है इसकी आउटपुट वोल्टेज। तो आई थिंक 1 वोल्ट के, 1 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में एक वेरी करता होगा। तो इसका मैंने सिमुलेशन किया नहीं, अभी थोड़ा बाद में करता हूँ। तो मोर नेगेटिव इन ऑर्डर टू आरडीएस एंड मेंटेन द रेगुलेशन। तो जब इनपुट वोल्टेज बढ़ती है या इसके बराबर हो जाती है, तो ये मोर नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर आती है और उसको रेजिस्टेंस को कम करने का ट्राई करती है। यानी कि अगर नेगेटिव वोल्टेज, पी मॉस जो कैसे ऑन होता है, वो नेगेटिव वोल्टेज से ऑन होता है, और जितनी उसको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी उतना ही वो ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगी और इसका ड्रेन टू सोर्स जो ओपन होगा चैनल, तो ये इसको मोर नेगेटिव पे रखता है एट ए सर्टेन पॉइंट। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आता है, जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड पर अगर वो पहुंच गया तो उससे ज़्यादा ये सैचुरेट, इसकी आउटपुट सैचुरेट नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नेगेटिव सप्लाई तो है नहीं। मैक्सिमम इसमें नेगेटिव ये जा सकता है ग्राउंड तक। हाउएवर द एरर एम्पलीफायर आउटपुट विल सैचुरेट एट ग्राउंड एंड कैन नॉट ड्राइव वीजीएस मोर देन मोर नेगेटिव। जब ये ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाता है इसकी आउटपुट, तो ये इसको ज़्यादा और नेगेटिव नहीं कर सकता गेट को, तो वो मैक्स मिनिमम वैल्यू होती है आउटपुट वोल्टेज की। तो आरडीएस हैज रीच्ड इट्स मिनिमम वैल्यू, जब ये ग्राउंड हो जाता है पूरा, तो ये इसकी आरडीएस जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती है और उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हैज रीच इट्स मिनिमम वैल्यू और मल्टीप्लाइंग दिस आरडीएस वैल्यू अगेंस्ट द आउटपुट करंट यू विल येल्ड द ड्रॉप वोल्टेज। तो उसका जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उस टाइम पे, उस रेजिस्टेंस और आउटपुट करंट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी ड्रॉप वोल्टेज निकल आएगी, ड्रॉप वोल्टेज कैलकुलेट होती है। तो ये है उसका फंडा काम करने का, ये इसकी आउटपुट वोल्टेज है। जितनी आप वेरी करोगे यहाँ रेजिस्टेंस, ये आउटपुट वोल्टेज उतनी चेंज होगी, और ये इसकी रेफरेंस वोल्टेज है, ये फिक्स रहती है। तो ये इसका फंडा होता है काम करने का। अब इसका देख लेते हैं, जब इसकी इनपुट वोल्टेज वैरी होती है तो ड्रॉप आउट वोल्टेज भी वैरी होती है, यानी कि वो कम होती है। अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ रही है, जैसे ये इनपुट वोल्टेज है, या हमारी ड्रॉप आउट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज अगर इसकी इंक्रीज हो रही है तो ड्रॉप आउट वोल्टेज कम हो रही है, इट इज गेटिंग डिक्रीज। तो यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर इनपुट वोल्टेज 6.5 वोल्ट है, तो यहाँ पर ड्रॉप वोल्टेज कितनी आ गई, 70 मिली वोल्ट। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हमारी 3.0 वोल्ट है और ड्रॉप वोल्टेज कितनी है, 90 वोल्ट से ऊपर है। तो कीप इन माइंड दैट मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ वीजीएस
दी लोअर आरडीएस, जितनी वीजीएस की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, आरडीएस की वैल्यू उतनी उतनी कम होगी, अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द इनपुट वोल्टेज। यू कैन अचीव ए मोर नेगेटिव वीजीएस, यू कैन अचीव ए मोर नेगेटिव वीजीएस, देयर फोर पीमोस आर्किटेक्चर विल हैव लोअर ड्रॉप आउट एट हाइयर आउटपुट वोल्टेज। दैट्स वाई दी पीमोस आर्किटेक्चर विल हैव लोअर ड्रॉप आउट एट हाइयर आउटपुट वोल्टेजेस। बिलो इलुस्ट्रेट्स दिस बिहेवियर रिलेशन बिटवीन इनपुट वी इन एंड वीडियो। तो ये इसका रिलेशन होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और पी मॉस की जो एलडीओ है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, उसमें लो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है। तो आप अगर सिलेक्शन करो तो पी मॉस का कर सकते हो, अगर वोल्टेज का कंसर्न है। अगर वोल्टेज का कंसर्न नहीं है तो आप एन मॉस की साइड जा सकते हैं, क्योंकि अगर पी मॉस आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आगे भी आने वाली है। थैंक यू, जय हिंद।